हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम बनाएंगे डोमिनो स्टाइल जिंगी पासल। आइए देखते हैं हमें क्या-क्या चाहिए। एक बोल में मैंने लिया है 100 ml पानी। इसमें हम डालेंगे ये 2 चम्मच चीनी और ये 1 चम्मच जो ड्राई यीस्ट लिए हमने ये डाल देंगे। ये पानी हल्का सा गुनगुना है, गुनगुना उतना जितना हमारा हाथ सह सके। अब इसको अच्छे से मिक्स करके हम इसको 5-7 मिनट के लिए ढक के रख देंगे, जिससे हमारी यीस्ट एक्टिवेट हो जाए। ये जो हमारा आधा किलो मैदा है, इसमें हम डालेंगे 10 ग्राम नमक और ये है हमारा 35 ग्राम्स मिल्क पाउडर। ये भी हम आटे में डाल लेंगे और इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को एक बार हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए मिक्स कर लिया। उसके बाद हम ऐसे बीच में जगह बना के, ये देखिए जो हमने यीस्ट अभी पहले पानी और चीनी के साथ घोल के रखी थी वो एक्टिवेट हो गई है। 5-6 मिनट हो गए उसको। अब हम इसको ऐसे बीच में डाल लेंगे और इस यीस्ट को पहले अपने इस ड्राई मैदा के साथ अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे 200 ml वही हल्का सा गुनगुना पानी। अब ये पानी थोड़ा थोड़ा हम डालेंगे और अपना बैटर तैयार, सॉरी अपना डो तैयार करेंगे। ये पानी पूरा 300 ml लग जाएगा आपके आधा किलो मैदा में। 100 ml में हमने यीस्ट भिगोई थी, अब ये 200 ml से हम अपना डो नीड करेंगे। देखिए जब हम पानी और मैदा सब मिला लेंगे तो ये देखिए ऐसे चिपचिपा सा आटा हमारा लग के रेडी हो जाएगा। ये अभी चिपक रहा है। अब ये जो हमने 40 से 50 ml तेल लिया है, ये थोड़ा थोड़ा तेल हम आटे पे लगाएंगे और इसको खूब गूंदेंगे अच्छे से। जितना अच्छा आपका आटा गूंदेगा उतनी ही अच्छी आपकी ब्रेड बनेगी। या ब्रेड बना रहे हैं, कुछ भी नान वगैरह कुछ भी बना रहे हैं, उतना अच्छा ही आपका वो बनेगा। तो इसको बहुत अच्छे से मलना है। अगर आपको लगे, ये देखिए अभी कितना स्टिकी हो रहा है, ये आटा बिल्कुल स्मूथ हो जाना चाहिए। जब तक ये आटा स्मूथ ना हो तब तक ऐसे ही आप इसको मलते रहिए और ऐसे स्ट्रेच और फोल्ड, स्ट्रेच और फोल्ड ऐसे करके आप अपना आटे को बहुत अच्छी तरह मलिए। ये बिल्कुल स्मूथ टेक्सचर का हो जाएगा और बिल्कुल स्टिक नहीं करेगा। अभी देखिए हाथ पे स्टिक कर रहा है, फिर बिल्कुल स्टिक नहीं करेगा हाथ पे। देखिए हम आटे को पिछले 4-5 मिनट से मल रहे हैं। ये पहले से देख पा रहे होंगे आप, स्मूथ होने लगा है और हाथ पे स्टिक नहीं हो रहा। पर अभी भी आप थोड़ा थोड़ा तेल लगा के इसको ऐसे स्ट्रेच करिए। देखिए बस ऐसे ही हमें 10-1 मिनट तक अपना आटा अच्छे से मलना है। ये हमारा आटा बिल्कुल स्मूथ हो गया है, ये देखिए बिल्कुल स्मूथ हो गया है। हमने इसे 10-15 मिनट्स के लिए ऐसे ही मला। देखिए बिल्कुल हाथ पे स्टिक भी नहीं कर रहा आटा। मैंने हाथ धोए नहीं है अभी और जो पुराना हमारे हाथ पे मैदा लगा हुआ था वो सब इसी में कंज्यूम हो गया। देखिए कहीं स्टिक नहीं हो रहा, ऐसा ही हो जाना चाहिए आपका आटा। ये हमने कंटेनर लिया है, इसको नीचे हम थोड़ा सा ग्रीस करेंगे। डो की मैंने ऐसे एक राउंड सी बॉल बना दी है, इसको ऊपर रिफाइंड लगा दिया है। अब ऐसे ढक के हम इसको 2 से 3 घंटे के लिए किसी गर्म जगह पर रख देंगे, जिससे ये अच्छे से प्रूफ हो जाए। प्रूफ होने का मतलब हमने इसमें यीस्ट डाली है, ये अपने साइज में ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। हरीसा सॉस बनाने के लिए हमने ये 5-6 लाल मिर्च जो घर में होती हैं साबुत वाली, उनको गर्म पानी में डाला है और इनको हम इस गर्म पानी में 5-6 मिनट के लिए ऐसे ही बॉईल होने देंगे। ये देखिए हमारी मिर्चें पिछले 4-5 मिनट से इस पानी के साथ बॉईल हो रही हैं। अब हम इन मिर्चों को निकाल के अपने मिक्सी वाले जार में डाल देंगे। ये मिर्चें मेरी बहुत ज़्यादा तीखी नहीं थी तो मैंने इनके बीज नहीं निकाले हैं। अगर आपकी मिर्चें तीखी हो तो आप इसका बीज निकाल दीजिएगा। अब इस मिर्च के साथ हम डालेंगे ये 1 चम्मच गार्लिक है जिसको मैंने क्रश कर लिया है अच्छे से, और हम इसमें डालेंगे ये 1/2 लेमन का जूस। ये मेरी चम्मच बहुत छोटी है इसलिए मैं ये इसमें 2 चम्मच जीरा पाउडर डाल रही हूँ, और हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल से हरिसा सॉस में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। बहुत थोड़ा सा डालेंगे, लगभग आधी चम्मच के करीब
हम इसमें ऑलिव ऑयल डालेंगे। अब इसको हम एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए हमने जो मिर्च उबाली थी वो मिर्च, लहसुन, जीरा, ऑलिव ऑयल और इनको मिला के जो मिक्सचर बनाया है वो ऐसा हो गया है। अगर वैसे तो ये टेक्सचर बिल्कुल ठीक है, पर अगर आपको इससे भी फाइन करना है तो आप इससे भी फाइन पेस्ट बना सकते हैं। अब इसको एक क्रीमी टेक्सचर देने के लिए हम इसमें मिलाएंगे 1 से 2 चम्मच मेयोनीज। ये लगभग 2 चम्मच मेयोनीज है। ये हम मेयोनीज पूरी हम अपनी इसमें सॉस में मिला देंगे तो इसका टेक्सचर बहुत ही क्रीमी हो जाएगा। ये देखिए, और जो हमारी मिर्चों की बहुत ज़्यादा स्पाइसीनेस होती है वो भी इससे बैलेंस हो जाएगी। तो यही सॉस हम अपने झींगी पार्सल के अंदर लगाएंगे। सिम गैस पे है ये पैन, इसमें हम अपना ये पनीर डाल देंगे। पनीर के ऊपर हम नमक सिर्फ पनीर के हिसाब से डालेंगे क्योंकि हमने जो हरीसा सॉस बनाया है उसमें भी नमक है, और तो इसलिए हम नमक बहुत ध्यान से डालेंगे। थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला, बहुत थोड़ा थोड़ा डाल रहे हैं हम सब कुछ क्योंकि सारा हमारा जो फ्लेवर है वो हरीसा सॉस में है। बस पनीर हमारा एकदम फीका ना लगे इसके लिए हम पनीर के साथ ही थोड़े से मसाले टॉस कर रहे हैं। और ये बहुत हल्की सी 2 चुटकी हल्दी डालेंगे हम, और थोड़ी सी हम डालेंगे काली मिर्च क्योंकि पनीर के साथ काली मिर्च का फ्लेवर, बस इतनी सी, पनीर का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और बस इनको ऐसे ही पैन में हम थोड़ा सा टॉस करेंगे। ये देखिए पनीर अब हमारा फीका सा नहीं लगेगा जो हमें फीका लगता अगर हम ऐसे ही उसको स्टफ कर देते। और इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच के करीब ऑलिव ऑयल, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है पनीर हमारा। बस ऐसे ही इसको अभी सब तरफ से कोट हो गया है, पैन की फ्लेम हाई करके हम इसको थोड़ा सा टॉस कर लेंगे। ये देखिए हमारे आटे को रखे 2-2.5 घंटे हो गए हैं और ये आटा ऑलमोस्ट डबल हो गया अपने साइज में, इसमें कितनी हवा भर गई है। अब ऐसे पंच करके हम इसकी सारी हवा निकाल देंगे। हमने जो आटा लगाया था मैदे का उससे हम ऐसे एक बड़ा सा बॉल तोड़ेंगे और इसको मल के थोड़ा स्मूथ करेंगे, ऐसे लोई सी बना लेंगे क्योंकि हमें इसे चपाती की तरह रोल करना है। ये देखिए ऐसे लोई बना लेंगे हम, और फिर जैसे हम आटे पे जब हम रोटी बनाते हैं तो हम आटा डस्ट करते हैं, इस पर हम आटा डस्ट नहीं करेंगे। अगर हमारे पास मक्के का आटा है तो बहुत अच्छा है, और अगर मक्के का आटा नहीं है तो ऐसे हम थोड़ी सी सूजी डालेंगे नीचे, सूजी सबके घर में होती है, उसके ऊपर हम ये अपनी बॉल रख के मैदे की और फिर इसको रोल करेंगे। ये देखिए इसको ऐसे रोल कीजिए, पर एक बात ध्यान रखनी है, सूजी बस हमें एक ही तरफ लगानी है, दोनों तरफ हमें सूजी नहीं लगानी है। जैसे ये बस नीचे वाले पोर्शन में सूजी है तो इसको ऐसे घुमा घुमा के हमें रोल करना है, पलटना नहीं है, इस पोर्शन पे सूजी नहीं लगानी है हमें, एक ही तरफ सूजी लगानी है। और ये देखिए बहुत इजीली रोल होगा, ये आराम से रोल हो रहा है, कहीं से स्टिक नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, ये देखिए बहुत इजीली रोल हो रहा है। तो इसको आप एक बड़े से पराठे के साइज में अच्छे से रोल कर लीजिए। ये देखिए हमने अपने जो हमने आटे की बॉल ली थी उसको इतना बड़ा रोल कर लिया है। अब इसमें से हम काटेंगे आटे की हमने पराठा सा बनाया था उसको, ये देखिए हमने ऐसे बीच में से ट्रायंगल शेप्स में काट लिया है। ये देखिए बहुत छोटे भी ना रखें और बहुत बड़े भी ना रखें, और ये देखिए अच्छा साइज रखा है मैंने, बहुत पतला नहीं किया है इसको, बहुत पतला कर देंगे तो अंदर का हम जो पनीर का स्टफिंग वगैरह करेंगे वो बेक होने में सब जल जाएगा। देखिए हमने जो ट्रायंगल्स काटे हैं बीच में हम रखेंगे जो हमने हरीसा सॉस बनाई है वो, और उसके ऊपर थोड़ा सा अपना पनीर रखेंगे, और फिर हम ऊपर से ये थोड़ा सा मोजरेला चीज है, ये मोजरेला चीज भी हम इसी पर डालेंगे। बहुत ज्यादा हमें कुछ भी नहीं डालना है क्योंकि जब ये बेक होगा
तो बाहर निकल आएगा अगर हम बहुत ज्यादा डाल देंगे तो। और ये जो हमारे कॉर्नर्स हैं, इन कॉर्नर्स पे हम ऐसे अच्छे से पानी लगाएंगे, जैसे हम गुजिया बंद करते हैं होली पे पानी लगाते हैं, ऐसे पानी लगाएंगे। और फिर ये ऐसे आपस में चिपका देंगे और इसको ऊपर उठा के ऐसे चिपका देंगे और इनको अच्छे से प्रेस कर देंगे। तो ये लीजिए हमारा बन गया जिंगी पार्सल। अब इधर मैंने ये बेकिंग ट्रे रेडी कर रखी है, इसको मैंने अच्छे से ग्रीस कर रखा है। इसमें हम थोड़ा थोड़ा गैप देके ऐसे अपने जिंगी पार्सल्स बेक होने के लिए रख देंगे। ये देखिए हमने चार जिंगी पार्सल बना के अपनी बेकिंग डिश में रख दिए हैं। अब इनके ऊपर से ये दूध और चीनी का मिक्सचर है, ये दूध और चीनी का मिक्सचर मैं इन पे हर तरफ स्प्रेड करूंगी, जिससे जब ये बेक होंगे तो इन पे अच्छा सा कलर आएगा। और अभी हम जब दोबारा प्रूफिंग के लिए रखेंगे तो ये ऊपर से ड्राई नहीं हो। ये देखिए बिल्कुल रेडी है हमारे जिंगी पार्सल। अब हम इन्हें किसी साफ टॉवल से कवर करके फिर से एक डेढ़ घंटे के लिए किसी गर्म जगह पर रख देंगे। देखिए जिंगी पार्सल हम एक घंटे से रखे हुए हैं दोबारा से प्रूफ होने के लिए। ये मैंने थोड़ा सा बटर लिया है, इसमें थोड़ा सा गार्लिक चिली फ्लेक्स और मिक्स्ड हर्ब्स डाले हैं। इनको हम हल्का सा इसके ऊपर ऐसे ब्रश कर देंगे। ये देखिए ऐसे बहुत हल्के हाथ से हल्का हल्का सा इनके ऊपर ब्रश कर देंगे। अगर आपको इसके ऊपर से और एक्स्ट्रा ऑरिगेनो वगैरह भी स्प्रिंकल करना है तो आप वो भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। इन सब चीजों से टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। तो अच्छी तरह से आप सब तरफ ब्रश कर दीजिए ये बटर और गार्लिक का मिक्सचर। ये देखिए इससे कलर भी बहुत अच्छा आएगा और टेस्ट भी बहुत बढ़ जाएगा। मैंने अपना माइक्रोवेव 180 डिग्रीज पे 5 मिनट के लिए प्रीहीट कर लिया है। अब इन जिंगी पार्सल्स को हम 180 डिग्रीज पे ही 10 मिनट के लिए बेक करेंगे। ये देखिए हमारे जिंगी पार्सल्स बनके बिल्कुल रेडी हैं। पहले हमने इन्हें 180 डिग्रीज पे 10 मिनट के लिए बेक किया था, फिर दोबारा हमने इनको 180 डिग्रीज पे 5 मिनट के लिए बेक कराया। तो आप देख पा रहे होंगे कितना अच्छा कलर आया है इनके ऊपर। और हमने सूजी से इनको रोल किया था तो देखिए कितना क्रिस्पनेस भी आई है ऊपर। हमारे यमी स्पाइसी जिंगी पार्सल बनके बिल्कुल रेडी हैं। एक बार आप भी इन्हें घर पे जरूर बनाएं और अपना फीडबैक मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करें। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए। थैंक यू।